नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर किडनी डैमेज हो गया कम से कम 3 महीने तक रहता है तो इसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इससे पहले तक अगर सही हो जाती है किडनी तो उसे एक्यूट कहते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज। अब वो कहते हैं कि ना अब जब तक अब ये इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं मतलब क्रॉनिक सीडी के ये तब तक सीकेडी तब तक अपेयर नहीं होता जब तक नेफ्रॉन्स के 70-75% नॉर्मल जो फंक्शनिंग न्यूरॉन्स है ना वो 70-75% नॉर्मल से कम ना हो जाए, मतलब नॉर्मल से इतने जब तक कम ना हो जाए तब तक इस ये नहीं अपेयर होती। लेकिन जो एक्यूट क्रॉनिक एक्यूट किडनी डिजीज है ना एक्यूट किडनी इंजरी की तरह सीकेडी भी उन्हीं कॉजेज की वजह से होता है, ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलेट ट्यूब्यूल्स और या इंटरस्टिशियल के डिसऑर्डर की वजह से। इसके अलावा जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है ना उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से होता है। इसके मेन कॉजेज में सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ मेलाइटस रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, इम्यूनिटी इफेक्ट कर रही है अपने ही बॉडी को करी जा रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन से, प्राइमरी ट्यूबुलर डिजीजेज से, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से और कॉन्जेनिटल डिजीज भी हो सकती हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है या एमाइलोडोसिस की वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लूकोज के ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है, ओबेसिटी फैट्स के ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है और ओबेसिटी फैट्स के ज़्यादा होने की वजह से, एमाइलोडोसिस प्रोटीन्स के ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स किसकी वजह से हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकते हैं, मतलब ब्लड वेसल की वॉल थिक हो गई है उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और वो किडनी को इफेक्ट करता है। नेफ्रोसिक्लेरोसिस हाइपरटेंशन हो सकती है, नेफ्रॉन्स की जो अपनी अंदर उसकी ब्लड वेसल्स है ना उसमें कहीं उसकी सिक्लेरोसिस हो गई है, उनकी वॉल थिकेंड हो गई है उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है और अल्टीमेटली किडनी इफेक्ट होती है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, इसमें क्या होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं हो पाते, फिल्टर वो ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब ये उसकी फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा पोरी आर्थराइटिस नोडोसा जिसे हम वैस्कुलाइटिस भी कहते हैं, ब्लड वेसल्स के कोई एंटीजन प्रोड्यूस हुई है, एंटीबन बॉडी प्रोड्यूस हुई है वो अपनी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने लगी है। इसके अलावा ल्यूपस रिथ्रिमाटोसिस, अब इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, पायलो नेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोटिक क्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और पायलो नेफ्राइटिस होता है ईकोलाई एशरेशिया ईकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है इन्फेक्शन। प्राइमरी ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिन्स मतलब कोई मेडिकेशंस हैं उसको ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम को ना डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जैसे एनल्जेसिक बहुत हमने एनल्जेसिक ज़्यादा दे दिया है, एनल्जेसिक कहते हैं बेहोशी की दवा को तो उसको कह देते हैं, हैवी मेटल्स दे दिए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में रीनल कैलकुलाई बन सकते हैं, मतलब रीनल वही स्टोन्स बन सकते हैं के उनकी कलेक्शन को कैलकुलाई कहते हैं। प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा यूरिथ्रा है ना वो उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कॉन्जेनिटल की बात करें तो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, सिस्ट बने हुए हैं अंदर और या किडनी है ही नहीं है, रीनल जिसे कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ किडनी टिश्यू जिसको हम कहते हैं रीनल हाइपोप्लेजिया।
अब अगर जो नेफ्रॉन्स है ना, वो नॉर्मल फंक्शन से सेवन नॉर्मल जो उसकी रेंज है उससे 75% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, नॉर्मल से इतने रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। मतलब नेफ्रॉन्स इतने ज़्यादा डैमेज हो जाए कि सवाई डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई चारा ना रहे, तो उसको कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। अभी किस वजह से होता है ये विशेष साइकिल चलता है, उसकी वजह से ये एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होती है। इस वजह से सारे के सारे नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे पहले देखें तो प्राइमरी किडनी डिजीज़ होती है, मतलब कोई डिजीज़ हो गई है तो नेफ्रॉन्स के जो फंक्शनल नंबर्स हैं ना, फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स, वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से आगे अब ये कैसे, ये जो अब कम होते हैं ना, फिर क्या होता है कि जो बाकी जो बच गए हैं ना नॉर्मल फंक्शनिंग है, उन पे प्रेशर पड़ जाता है, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और वैजुलेशन हो जाती है। इसके अलावा ना उन आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। चेंजेस ऐसी आती हैं कि वो कम होने के बावजूद भी सारा GFR और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो बाकी बच गया ना नेफ्रॉन, उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है और वैजुलेशन हो गई है। इसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ गया है। अब इन सब की वजह से ना ग्लोमेरुलर प्रेशर और फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती हैं। अब लेकिन ये सब, ये जो चेंजेस होती हैं, इनकी वजह से एडिशनल इंजरी हो जाती है। एडिशनल इंजरी क्या होती है कि जो बाकी जो बहुत ज़्यादा वेदर रिलेशन की वजह से ना, यहाँ पे इन पे जो बाकी रिमेनिंग है नेफ्रॉन्स, उनकी उन पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और स्ट्रेच हो जाता है। इसकी वजह से ना इनकी वॉल्स की इंजरी हो जाती है और वहाँ पे ना सिक्लोरोसिस हो जाती है। सिक्लोरोसिस की वजह से ऑब्लिट्रेशन हो जाती है और फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं फंक्शनल नेफ्रॉन्स हैं। इसकी वजह से दोबारा जो बाकी बस गए उन पर ही होता है। इस तरह साइकिल चलता रहता है और फंक्शनल नेफ्रॉन्स कम होते जाते हैं और इस तरह एक हद आती है कि बिल इतने कम हो जाते हैं कि सवाई डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के कोई और चारा नहीं रहता। इसको कहते हैं हम रीनल किडनी डिजीज़, एंड स्टेज किडनी डिजीज़। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके कॉजेज में सबसे पहले डायबिटीज़, मिलाइटस और हाइपरटेंशन, ये इसके दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। रिसेंट ईयर 1980s में पहले देखा जाता था कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ना सबसे कॉमन कॉज है एंड स्टेज किडनी डिजीज का, रीनल डिजीज का, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ना रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो, और हाइपरटेंशन, इसकी वजह से ये किडनी ज़्यादा इफेक्ट होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में 90% केसेस में ना, डायबिटीज के 90% केसेस में अब ये जो डायबिटीज़ है ना और हाइपरटेंशन, ये अब किसकी वजह से होती है? ये ओबेसिटी की वजह से होती है। जो 90% डायबिटीज मेलाइटस के केसेस होते हैं ना, वो ओबेसिटी की वजह से होते हैं, और जो हाइपरटेंशन के 75% केसेस होते हैं ना, वो ओबेसिटी की वजह से, मतलब जब ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ के 90% केसेस होते हैं और हाइपरटेंशन के 65-75% केसेस, मतलब ओबेसिटी होगी तो उसकी वजह से किडनी पे और इफेक्ट पड़ेगा। ओबेसिटी होगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगा, हाइपरटेंशन होगी और उसकी वजह से किडनी पे और इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एक और कॉज होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़।